अल्लाक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मैं हूँ फाजिया उमर एक बार फिर आपके साथ एक ऐसे डिपार्टमेंट की मुलाकात आपसे करवाने के लिए जो फॉल करता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में लेकिन इस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि यहाँ की सारी फैकल्टी पी एच डी है और ना सिर्फ पी एच डी है बल्कि तालीम सब के लिए और तालीम सब की दहलीस पर पहुँचाने के मिशन को अपने साथ एक पैशन के तौर पर एक मकसद के तौर पर लेकर चलने वाले लोग हैं ये एक पुराना डिपार्टमेंट है एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप हमारे साथ इस वक्त फैकल्टी में मौजूद हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डॉक्टर अफशा हुमा जो कि डिपार्टमेंट को हेड भी कर रही हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर अफशा के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हामिद अली साहब डिपार्टमेंट के जिन प्रोग्राम्स को इस वक्त ये लीड कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से बहुत शुक्रिया मैम थैंक यू फॉर कमिंग सर और हमारी तीसरी मेहमान हैं डॉक्टर फरखंदा रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपने डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए और उन प्रोग्राम्स पे बात करेंगी जिनको ये लीड करेंगे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहिबान हमारी आज की जो महफिल है बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि आपका डिपार्टमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या काम कर रहा है थोड़ा सा इसके तारुफ से हम बात शुरू करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने डायरेक्ट मुद्दा की तरफ़ जो कि है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप क्या ऐसा खास कर रहा है जो पाकिस्तान में बाकी लोग नहीं कर रहे टू स्टार्ट अप विद डिपार्टमेंट कब बना डॉक्टर साहिबा ये डिपार्टमेंट क्या जहन में था जब बना और कहाँ तक पहुँचे इस वक्त आप मेरी खुशकस्मती ये है कि मैं इसी डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट भी हूँ और मुझे उन लोगों से भी सीखने का मौका मिला जो बिल्कुल ओरिएंटेशन के वक्त पाइनियर मेंबर्स थे तो इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री ये है कि 1974 में जब यूनिवर्सिटी का क्याम होता है तो जो अवलीन प्रोग्राम्स हैं वो हम सब जानते हैं वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं और उससे इब्तदा होती है उसके साथ ही एक डिप्लोमा ऑफ़र किया जाता है जो कि मैनेजमेंट कैडर के, के लोगों के लिए किया जाता है और जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में या आ, फेडरल में आ, बैठना है प्लानिंग के सेक्शन में तो वो बिल्कुल अवलीन एरियाज़ हैं बिल्कुल बिगनिंग पॉइंट है और 1974 ही में हमें इसके इनिशियल कोर्सेस बनते हुए मिलते हैं डिपार्टमेंट वजूद में आता है 1976 में जो इसके पाइनियर लोग हैं वो बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट बाकायदा मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पे वजूद में आया कि हमें पाकिस्तान में उस वक्त उन लोगों की ज़रूरत थी अब आप देखें 1974-1976 1972 की एजुकेशन पॉलिसी का दौर है ठीक है और उस वक्त जो प्लानिंग हो रही है जो बजटिंग हो रही है उसमें एजुकेशन के प्लान्स कैसे बनने फ़ाइव ईयर प्लान में एजुकेशन सेक्टर का अपना प्लान का हिस्सा होता है उसकी कॉस्टिंग होनी है उसकी बजटिंग होनी है एजुकेशनल प्लानिंग के लोग चाहिए तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का एक मास्टर्स प्रोग्राम और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम ये दो इनिशिएट किए गए डिपार्टमेंट के वजूद में आते ही जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके लिए लोग बकायदा बाय नामिनेशन आते थे यानी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ेट पीपल फॉर दिस प्रोग्राम कि आप जाएं और आप ये करें वन ईयर डिप्लोमा वॉज टू ईयर्स एंड देन इफ़ दे वॉन्टिड टू कंटिन्यू एंड कम्प्लीट अ मास्टर्स डिग्री क्योंकि okay. ये एक यूनिवर्सिटी थी तो वो अपना मास्टर्स कम्प्लीट कर सकते थे okay. uh, तो ये इसकी बिगिनिंग पॉइंट थी और इसके तमाम कोर्सेज़ जो डिज़ाइन किए गए वो यूनीस्को के साथ मिलकर डिज़ाइन किए गए नाइनटीन में यूनीस्को तमाम डिवेलपिंग कंट्रीज़ के लिए प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के स्पेसिफ़िक कोर्सेज़ बना रहा था और वो वेस्ट हो होते थे तो यूनेस्को की टीम के साथ इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ ईपीएम पहले इसका नाम था एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आज भी बहुत से लोग इसको डिपार्टमेंट ऑफ ईपीएम के नाम से ही जानते हैं तो उन्होंने मिल वो कोर्सेज तैयार किए टू एंड नाइन के दरमियान इस डिपार्टमेंट का सिर्फ नॉमन नहीं बदला बल्कि इसका आ, स्कोप भी बड़ा किया गया इसका मैंडेट भी इजाफ़ा किया गया तो अब जैसे कि आपने अभी नाम लिया एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप इससे मुराद ये हुई कि हमें दो और एडिशनल चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा किया गया कि अब हम सिर्फ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं हम पॉलिसी स्टडीज़ भी और लीडरशिप के ऊपर भी अपने प्रोग्राम और कोर्सेज़ डिज़ाइन करें और अलहमदिल्ला हमने किए हम ऑफर भी कर रहे हैं डॉक्टर साहबा आपने बहुत तफसील से बताया जो कि हमारे लिए बहुत इनलाइटनिंग था लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पूछना चाह रही हूँ और जो स्टूडेंट्स भी हमारे सुन रहे हैं वो आपने एक ही डिपार्टमेंट के अंदर तीन मेन एरियाज़ को आप लोग फोकस कर रहे हैं एजुकेशनल exactly. प्लानिंग को आप कर रहे हैं पॉलिसी स्टडीज़ को आप कर रहे हैं और लीडरशिप कर रहे हैं exactly. अब ये तीनों के तीनों बहुत इट्स पूरी पूरी फील्ड्स हैं exactly. तो मुख्तसरा अगर आप हमें ये बताइए कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है और क्यों अहम है ठीक है पॉलिसी स्टडीज़ किस बला का नाम है हम तो है। ठीक है प्लान करते हैं और पॉलिसीज़ भी बना रहे होते हैं लेकिन क्या वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी होती हैं ठीक है और एजुकेशन में उनकी सिग्निफिकेंस क्या है <coughs> और लीडरशिप तो एजुकेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूशन के लिए और कॉमों की ज़िंदगी के लिए ठीक है फ्यूचर जेनरेशन के लिए क्यों सिग्नीफ़िकेंट है देखिए जब हम कहते हैं प्लानिंग तो प्लानिंग एक स्पेसिफिक पैराडाइम है जिसमें नेशनल डेवलपमेंट गोल्स ठीक है जो कि हर मुल्क की जो रूलिंग पार्टी है वो उस वक्त तय करती है कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे बिल्कुल नेशनल डेवलपमेंट गोल्स में वन ऑफ द मेजर गोल्स इज़ एजुकेशनल डेवलपमेंट ठीक है ये इस तरह भी देखा जा सकता है अगर इस जाविया से खड़े होकर देखा जाए दूसरी तरफ इस तरह भी देखा जा सकता है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट लीड्स टू नेशनल डेवलपमेंट तो दूसरे जाविये से खड़े होकर देखा जाता है ऐसे भी इसका मतलब है कि दोनों जावियों से हमें पता चलता है कि जो एजुकेशनल प्लान होगा किसी भी मुल्क का वो उसके फ्यूचर की डायमेंशन को तय करेगा डायरेक्शन सेट से वो उसके नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने रास्ते देगा प्लान क्या है प्लान एक्चुअली एक पाथवे है जो आपको बताएगा कि आप किस रास्ते, रास्ते से जाएँ और अपने गोल्स तक पहुँचें तो ये तो प्लानिंग है एजुकेशनल प्लानिंग जब हम बात करते हैं वो नेशनल लेवल पे भी हो रही है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो रही है वो रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी हो रही होती है इस वक्त बच्चे कितने मौजूद हैं आने वाले सालों में कितने स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी कितने टीचर्स चाहिए होंगे क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग को देखें या हम कोई ऑल्टरनेट पाथवेज भी करें इसी तरह लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक जाते जाएँ तो ये सब प्लान का हिस्सा होता है ठीक सो दैट इज़ प्लानिंग Once the plans are there, then we come to management. Plan की execution करनी है management ne right? तो planning के साथ juda hua है जहाँ भी planning का course आपको मिलेगा उसके साथ management का course मिलेगा क्योंकि सिर्फ एक document बना के तो नहीं rakh dena hai अच्छा फिर प्लानिंग के साथ एक और जो बहुत important चीज़ है जो जो हम अपने डिपार्टमेंट की बहुत स्ट्रेंथ समझते हैं वो है फाइनेंसिंग एंड economics ऑफ एजुकेशन जो कि बहुत कम जगहों पर समझी जा रही है पढ़ी जा रही है अब जब मैं यहां पहुंचती हूं तो आती है पॉलिसी किसी भी मुल्क में पब्लिक मनी को स्पेंड करना है तो उसकी फैसला साजी का नाम है पब्लिक पॉलिसी क्यों बजट दिया जाए किस मद में दिया जाए और क्या गोल्स हैं वो आपको पॉलिसी देगी हम अपने एजुकेशन सेक्टर को लेके कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए हमें फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं तो पब्लिक पॉलिसी पे पहुंच जाते हैं हम साथ ही प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से निकलते हैं साथ ही पब्लिक पॉलिसी आ जाती है पॉलिसी कैसे डिसाइड हो पॉलिसी एक सर्टन पीरियड के लिए आती है अगले दस साल में हम क्या एनविज़न कर रहे हैं हम क्या देख रहे हैं एजुकेशनल डिवेलपमेंट में अब जब मैंने वर्ड एनविज़न यूज़ किया तो दिमाग में बल्ब जलता है लीडरशिप का राइट right? तो ये तीनों चारों लफ्स जुड़े में हैं एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसीज़ एंड देन लीडरशिप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि वो फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं लीडरशिप गाइड करेगी लीडरशिप बताएगी कि हमें ये ज़रूरत है भी या नहीं अगर सारी दुनिया कोई एक पॉलिसी दे भी रही है हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसकी अहमियत है या हमारे कॉन्टेक्स्ट में किसी और चीज़ की अहमियत है ये लीडरशिप डिसाइड करेगी तो इसलिए ये तीनों चारों चीज़ें बिल्कुल आपस में निट टुगेदर हैं अलग अलग करके नहीं समझी जा सकती तो इसलिए मुझे लगता है कि सोचने समझने वालों ने बड़ा अच्छा सोचा कि इसको एक अम्ब्रेला के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी एंड लीडरशिप तीनों को कवर किया जाए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर लेवल के ऊपर वो सेंसिटाइजेशन हो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाए डॉक्टर साहिबा ब्रीफली अगर आप बताएं कि हमारी ऑफरिंग्स कौन कौन सी हैं डिपार्टमेंट की ताकि फिर हम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से डिटेल में बात कर सकें उनके बारे में इस वक्त जो प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें हमारे बी प्रोग्राम हैं दो प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर हामिद अभी उनकी तफसलत बता देंगे फिर हमारे पास दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं और फिर हमारे पास दो एम फिल प्रोग्राम्स हैं और फिल वक्त हमारे पास एक पीएचडी प्रोग्राम है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं आने वाले चंद सालों में जब हमारा सेकेंड एम फिल भी मेच्योर इनअ हो जाएगा तो फिर हम सेकेंड पी प्रोग्राम भी ऑफ़र करेंगे तो जो ऑफ़र्स हैं वो बी के दो प्रोग्राम्स दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोम दो एम फिल इन ई एल एम एंड ई पी एम एंड देन पी एच डी पी एम वंडरफुल डॉक्टर हामिद साहब इस वक्त देख रहे हैं डिपार्टमेंट में बी एड के प्रोग्राम को डॉक्टर साहब बी एड के प्रोग्राम आपका डिपार्टमेंट किस सेमेस्टर में ऑफ़र करता है और थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि ये प्रोग्राम क्या है जी थैंक यू डॉक्टर साहब डिपार्टमेंट ऑफ एप्सल बी एड प्रोग्राम दो तरह के ऑफ़र करता है एक बी एड वन पॉइंट फाइव है जो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सिक्सटीन ईयर एजुकेशन लेके ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट उसमें में बी एड के अंदर स्पेशलाइजेशन है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हम वो ऑफ़र करते हैं वंडरफुल एक दूसरी स्ट्रीम है हमारे पास कि वो लोग जो एफ एफ एस सी कर चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने उनके लिए बी एड फोर ईयर तैयार की है लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो बी एड फोर ईयर तैयार करता है उसका टाइटल है बी एड फोर ईयर इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये बाकी बी एड प्रोग्राम से डिफ़र इसलिए करता है कि इसकी जो सीक्वेंस है वो दो तरह से है कि आप उसमें ए डी ई बेस्ड आगे कंटिन्यू करते हैं सॉरी टू कट यू ए डी ई से मुराद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ हमारा बी एड फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें पहले दो साल वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो दो दोस दो साल के कोर्सेज़ पढ़ते हैं उसकी बुनियाद पर वो ए डी ई लेवल तक का कोर्स पढ़ चुके होते हैं इसका मतलब है आफ्टर टू ईयर फर्स्ट टू ईयर्स वो टीचिंग का कोर्स पढ़ चुके हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को असेसमेंट को और उनकी जो फर्स्ट टू ईयर में टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो एक अच्छे टीचर के तौर पर अपने आप को तैयार कर लेते हैं अब हमारा बी एड फोर ईयर बाकी जनरल बी एड फोर ईयर की तरह एक दो तीन कोर्सेज के बजाय आखिरी दो साल स्ट्रेस करता है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर जिसमें हमारे पास सेवेंटी टू करडेट आर के जो कोर्सेज हैं वो फोकस करते हैं स्पेशली स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर तो जो आखिरी दो सालों में जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं उनमें वो जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो सिर्फ टीचिंग नहीं है वो आप कह लीजिए कि एक तरह की इंटर्नशिप है जिसमें जो लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस में वो टीचिंग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ वो किसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन uh, के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अटैच हो के वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इस तरह के मैनेजमेंट और लीडरशिप कैरियर्स के ऊपर उनके साथ मिलकर अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और उसकी वो रिपोर्ट सबमिट करवा रहे होते हैं सो so, डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे आप कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं एक अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ आप उसको एक अच्छा मैनेजर भी बना रहे हैं जो हर लेवल पे आने वाले चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड सके। जी बिल्कुल हमारा जो बी एड फोर ईयर है या स्पेशली उस कैडर को तैयार कर रहे हैं कि हमारा बी एड फोर ईयर इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का ग्रेजुएट वो सिर्फ टीचिंग ना कर सके, बल्कि अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी हो तो वो स्कूल को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है और हम प्रेफ़र करते हैं कि वो लोग जिन्होंने आखिरी दो साल सिर्फ स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग वगैरह को फोकस किया है वो स्कूल्स को लीड करें ताकि वो अपने उन नॉलेज स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर तरीके से रन कर सकें दैट इज़ वंडरफुल डॉक्टर साहब एक और जमनी सवाल जो आपकी बात से निकलता है वो ये कि आप ऑफरिंग किस वक्त करते हैं क्या आपके दोनों एम बी एड जो हैं वो एक ही सेमेस्टर में आते हैं साल के दोनों सेमेस्टर्स में आते हैं या आप कोई गैप देते हैं हम ओपन यूनिवर्सिटी के एक्डेमिकयर को फॉलो करते हुए स्प्रिंग और आटम दोनों सेमेस्टर्स में अपने प्रोग्राम को ऑफर करते हैं जो स्प्रिंग में एडमिशन है वो फेबर मार्च में है और जो आटम के अंदर एडमिशन हैं वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को हम लोग कह देते हैं कि आप इन दो महीनों के दौरान ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रबता रखिए उसको विज़िट कीजिए और जैसी ऑफरिंग होती है तो वो फिर और ये इतना आ, मज़ेदार प्रोग्राम है कि हमारे पास एक अच्छा खास इनटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी है दैट इज़ फ्यू वर्ड्स ऑन दैट एज वेल सिंस आपकी जो ऑफरिंग है वो आपकी वेबसाइट पे भी पब्लिश होती है और जितने भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर भी ऐड आ जाता है आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल क्लाइंटल भी आपके पास बहुत ज़्यादा है एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया क्या है डॉक्टर साहब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास बी एड फोर ईयर इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में दो तरह का इंटेक है एक वो स्लॉट है जो एफ एफ एस सी या ट्वेल्व ईयर एजुकेशन के साथ आते हैं अगर उसने ओ लेवल वगैरह किया तो वो अपना एकेबलेंट डिग्री सर्टिफिकेट लेके आते हैं और हम उनको ले लेते हैं और वो लोग जो एफ एफ एस सी विनिम सेकेंड भी इनके साथ आते हैं हम उनको ले लेते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं और उन और ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है अच्छा जो इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है ओपन टू ऑल है जो एफ एफ एस सी के बाद आते हैं वो चार साल का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और उनको ये सिक्सटीन ईयर एजुकेशन डिग्री के केवलेंट डिग्री मिलती है जो एच ई सी के रोड मैप के मुताबिक है दूसरा इन वो है हमारे पास इस प्रोग्राम की अफादियत को देखते हुए मुल्क के मुख्तफ़ हिस्सों से क्यों रही आई कि हम भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हमने ए डी ई किया हुआ है तो हमने उनके लिए एक एंट्री पॉइंट रख दिया है कि वो लोग जो पाकिस्तान में कहीं भी जिन्होंने दो साल ए डी एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन वो किया हुआ है तो वो अपना ए डी ई के साथ हमारे प्रोग्राम में अप्लाई करें तो वो फिक्स सेमेस्टर में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जी जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी आप बात कर रहे थे तो ज्यादा क्लाइंटेंट हमारे पास कहाँ से आती है ज़्यादा तो हमारे पास नेशनल ही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेकिन ये ओपन है कि हमारे पास पाकिस्तान पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद है वो ओवरसीज स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए फ्लैक्सीबिलिटी ये है कि चूँकि असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट होती हैं वर्कशॉप्स ऑनलाइन हैं और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारे पास क्लाइंटल अच्छा खासा यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है किमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडियोज़ हैं और जो टीचर्स हैं वो इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने जो लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड करवा लेते हैं एंड सिंस द मीडियम इज थ्रू ऑनलाइन तो बहुत सारे जो अमेरिका में बैठे हुए हैं यूरोप में बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इन एरिया से आ रहे होते हैं टाइम डिफरेंस की वजह से अगर वो लाइव क्लासेस में अटेंडेंस नहीं भी प्रेजेंट हो सकते बिकॉज ऑफ़ देयर मसरूफियात और द टाइम डिफरेंस तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल के ऊपर अपलोडेड होते हैं और उन लेक्चर्स के ज़रिए भी वो उन से अफादियत हासिल कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को किसी भी कंस्ट्रेंट के बगैर कंप्लीट कर सकते हैं तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैं चाह रही थी कि हम डिस्कस कर लेते और अब बहुत सारे डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स वो आना चाह रहे होते हैं एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि अमेरिका में तो इस वक्त रात हो रही होगी आप यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे आप जिस वक्त यहाँ पढ़ा रहे होंगे वहाँ सुबह हो रही होगी तो वो जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से प्लस मसरूफ़ीत की वजह से तो ये आप सबके लिए भी जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चरस मौजूद होते हैं उन रिकॉर्डेड लैक्चर्स से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं प्लस आप अपने ई मेल्स के जरिए मैसेज के जरिए क्वेरीज अपने जो क्वेश्चन हैं वो भी ड्रॉप कर सकते हैं और जब टीचर क्लास में दोबारा लॉग इन होता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो क्वालिटी के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी का कंसर्न है तो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है मैक्सिमम मि, वो अपने उस कोर्स को ले कर चलता होता है ताकि अक्रॉस द ता बोर्ड जो नॉलेज डिलीवरी है वो सेम लेवल में चला जाए और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोर्स कोऑर्डिनेटर अवेलेबल नहीं है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ई डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर साहबान हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमारे बच्चों को गाइड करें ताकि हमारे जो क्लाइंटेल है वो किसी तरह भी क्वालिटी के वाले से उनको शिकायत का मौका ना मिले क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी अलहमदिल्ला हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो पीएचडी लोग हैं वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन प्लानिंग पॉलिस इनके ऊपर उनके जो ग्रिप है वो हम समझते हैं कि जो बाकी इसमाम हैं उनसे कंपेरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं चूँकि कोर्स राइटर्स यही हैं कोर्स डिवेलप कर रहे होते हैं कोर्स रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी तसली है कि ये बाकी इसम की नस्बत जो ए पी एम डिपार्टमेंट के इसम है ये कम्पेरेटिवली फोकस होकर अपने इस्टूडेंट्स को अच्छा डिलीवर करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है और कौमी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए भी प्लस आपने जिस तरह बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेइजेशन आपके साथ कोलेबरेट कर रही होती हैं तो वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना भी ओपन यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी और फिर पर्टिकुलरली आपके डिपार्टमेंट की भी हो जाती है कि जो नेशनल गोल्स हैं प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से क्वालिटी पे और एक्डेमिक जो एक्सेलेंस है उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज ना करें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि आपका डिपार्टमेंट करता है और जिसमें बेतहाशा लोग इनरोल होते हैं दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दो वेरिएशन के साथ ऑफर कर रहा है ई e के साथ भी और ई e के साथ भी हम दोनों पर बात कर लेते हैं जो ई एल एम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसको मैनेज uh, करती हैं डॉक्टर फरखंदा डॉक्टर साहिबा वाई पी जी डी वाई नॉट अ प्रॉपर डिग्री दो साल की तीन साल की चार साल की तो पहले तो ये बताइए कि पी जी डी ही हमें क्यों करना चाहिए या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है देखिए okay, पी जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एक तो सबसे पहले ये कि इट्स अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स के अगर कोई शख्स है उसने बैचलर्स कर रखा है तो ही और शी कैन गेट द प्रोफेशनल डिग्री एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है बाय हैविंग पी ठीक है दूसरा ये कि जो पी करने के बाद ये एक ब्रिजिंग के तौर पर भी काम करता है कि ऐसे लोग uh, जैसे कभी एच का नया रोड मैप आया है कि कोई भी बैकग्राउंड हुए हो उनका एजुकेशन का तो वो पी जी डी ई एल एम करके आ, दे कैन परसू दे हायर स्टडीज़ फॉर एग्जाम्पल एम फिल ई पी एम तो उसमें वो जा सकते हैं सो इट कैन सर्व डोअल पर्पज़ लाइक ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करता है और दूसरा ये कि ये आपकी हायर स्टडीज़ के लिए भी ब्रिजिंग का काम कर रहा होता है ठीक है और डॉक्टर साहब इसका ड्यूरेशन कितना होगा जी इसका वन ईयर ड्यूरेशन है विच कॉन्सिस्टेड ऑफ टू सेमेस्टर्स टू सेमेस्टर्स अब सिंस आप तो इस फील्ड से हैं तो आप ई एल एम ई एल एम बार बार करेंगे लेकिन मेरे जैसे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि ई एल एम का मतलब क्या है तो थोड़ा सा ये बताइए कि ई एल एम क्या मुराद है और ई एल एम का स्कोप सिग्निफिकेंस क्या है जी ई एल एम बेसिकली एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है अगर हम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को देखें तो उन्होंने जो ट्वेंटी तो फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स दी हैं उनमें वन ऑफ द स्किल इज़ द लीडरशिप तो इट मीन्स के लीडरशिप uh, का मतलब ये नहीं है कि uh, हर शख्स जो है वो कोई ही और शी कैन एक्वायर सम लीडरशिप पोजिशन बट ही और शी कैन लीड ही और शी कैन मेक समिसंस ही कैन ही और शी कैन मेक समिशियेट टिवस ठीक है तो इसलिए जो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स है ये ना सिर्फ लीडरशिप स्किल्स को इंकल्केट करता है बल्कि मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उनको भी इंकल्केट करने की कोशिश करता है के बीच में सो दैट दे कैन लीड इन द सोसाइटी दे कैन ब्रिंग द सोशल चेंज विद इन सोसाइटी That इज़ वंडरफुल यानी लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है, है या जो डिपार्टमेंट का चेयरमैन है या जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है ही इज दी लीडर no. लीडर हर वो बंदा है जो उस्ताद है जी, और जो अपनी क्लास के सामने बैठ के उनको लीड भी कर रहा है उनको विजन भी दे रहा है उनकी डायरेक्शन सेट कर रहा है टू वर्ड फ्यूचर डॉक्टर साहबा एक छोटा सा सवाल जो कि इसी आपके पी जी डी प्रोग्राम से रिलेटेड है कौन से कोर्सेज़ हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की अगर आप थोड़ी सी तफसील बता दें तो उससे फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी ठीक है एंड सेकेंडली कि ये ऑफरिंग आप किस सेमेस्टर में करते हैं ठीक है जहाँ तक तो कोर्सेज़ की बात है तो इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न है जैसे कि डॉक्टर हामिद ने भी जिक्र किया कि जो हम जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका महवर टीचिंग एंड लर्निंग की बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट है True. तो जैसे हम ऑफर करते हैं इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न तो इसमें जो एजुकेशनल लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं दे कैन इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय द इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न इसी तरह इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे पास एक कोर्स है जिसके ज़रिए हम किसी भी इदारे को बेहतर बना सकते हैं इसी तरह हमारे पास एक कोर्स है कंपेरेटिव परस्पेक्टिव uh, के बारे में जिसमें हम डिफरेंट प्रैक्टिसज जो वर्ल्ड वाइड हो रही हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हम उनको uh, हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ सो दैट दे कैन सी के वट आर द सक्सेस स्टोरीज वट आर द सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट विच कैन बी अप्लाइड इन द एजुकेशनल सेटिंग्स इसी तरह एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका करेक्ट्रिस्टिक्स uh, है दैट इज़ द रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें हम बच्चों को या तो एक ऑप्शन देते हैं कि वो एक्शन रिसर्च कर लें या वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर लें तीन से चार महीने का सो दैट दे कैन ब्रिंग अ सोशल चेंज वो जो हम लीडरशिप वाली बात कर रहे हैं ना तो हम उनको एक चेंज एजेंट बनाना चाह रहे हैं हु हैव द स्ट्रॉग कमिटमेंट टू ब्रिंग द सोशल चेंज तो रिसर्च प्रोजेक्ट एक साल के कोर्स में इट्स अ वेरी कॉम्प्रंसि प्रोग्राम विच हैव सम कोर्सेज अलॉन्ग विथ रिसर्च प्रोजेक्ट तो ये इसके मेन चीज़ें हैं थैंक यू वेरी मच आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहिबा अभी तक तो जो गुफ्तु हुई उससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आ, आपका डिपार्टमेंट है और जो प्रोग्राम्स आप ऑफ़र कर रहे हैं जो स्पेशलाइजेशन आप ऑफ़र कर रहे हैं उसका एक थ्योरेटिकल पैराडाइम तो है जो कि हर सब्जेक्ट का होता है लेकिन इट इज़ मोर ऑफ समथिंग दैट इज़ अप्लाइड ऑफ नेचर तो ये जब हम अप्लाइड नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अगर अप्लाइड नॉलेज अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा तो वो हमारा जो आउटकम है इट मे लीड टू डिज़ास्टर आपका डिपार्टमेंट एक और पीजीटी ऑफर कर रहा है ईपीएम। पी uh, थोड़ा सा ये बताइए कि ईपीएम विद रिस्पेक्ट टू दिस अप्लाइड इम्प्लीकेशन और किस सेमेस्टर में ये ऑफर होता है कितने अर्से का प्रोग्राम है और कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए Uh, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी पी जी डी ई पी एम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जिस डिपार्टमेंट का uh, सबसे पहला और ओल्डस्ट प्रोग्राम है uh, ये प्रोग्राम uh, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि uh, दो पर्पस फुलफ़िल कर रहा है एक तो ये है कि पी जी डी ई पी एम में अगर आप हमारी एनरोलमेंट का ग्राफ देखें तो मोस्टली पंद्रह uh, बीस साल एजुकेशन के एक्सपीरियंस के साथ लोग आ रहे होते हैं दे वॉन्ट नाउ टू बिकम प्लानर्स एंड मैनेजर्स तो ये प्लानिंग एंड मैनेजिंग मैनेजमेंट की कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है uh, यानी कि uh, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखें ना तो ज़्यादातर वो लोग uh, जो हेड टीचिंग में जाते हैं हेड टीचर्स बनते हैं प्रिंसिपल्स बनते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसज़ में पोजिशंस uh, मौजूद होते हैं या फिर मिनिस्ट्री में पोजीशंस पे मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ़ देम हैव अ बैकग्राउंड इन टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आफ्टर सम टाइम दे आर एलिजिबल फॉर अ मैनेजेरियल पोस्ट फॉर मैनेजमेंट कैडर तो उसके लिए ये ये सबसे पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान में और um, मैं बड़े वसूख के साथ कहती हूँ कि um, जिस तरह से इसको तरतीब दिया गया Uh, जिस तरह के एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए गए ई में, में uh, किसी भी मुल्क में uh, अगर आपको एक प्रॉपर एजुकेशन सेक्टर की प्लानिंग करनी है उसका हिस्सा बनना है या एग्जीक्यूशन करनी है उसका हिस्सा बनना है इसमें uh, हमारे पास शुरू होता है प्रोग्राम विद द प्लानिंग प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल की एजेंडा uh, से लेके एसडीजीज आ गए ठीक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे उससे पहले डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हुआ करते थे वहाँ से लेके नेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी से ड्रॉ करके प्लान कैसे बनेगा सो प्लानिंग प्रोसेस देन प्लान इम्प्लीमेंटेशन यानी प्लान से प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स कैसे ड्रा किए जाएंगे फिर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कैसे okay. होंगे ठीक है प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन हर प्रोग्राम का हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन वो कैसे की जाएगी ठीक है तो ये बिल्कुल इस तरह फर्स्ट सेमेस्टर आपको पूरा ये चीज़ें सिखा रहा है ठीक है कि प्लानिंग कैसे होगी किन बेसिस पे होगी इंटरनेशनल कौन सी पॉलिसीज़ लोकल कौन सी पॉलिसीज़ फिर हम उसकी एग्जीक्यूशन में कैसे जाएंगे प्रोग्राम्स में कैसे जाएंगे प्रोजेक्ट्स में कैसे जाएंगे फंडिंग कैसे होगी फाइनेंसिंग कैसे होगी ये करते करते सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पी प्रोग्राम लीड्स यू टूवर्ड्स मोर डीटेल्ड थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल लोकेशन कैसे डिसाइड होनी है स्कूल मैपिंग कैसे होनी है कहाँ स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है इसकी अससमेंट कैसे होनी है यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है राइट right? फिर स्कूल्स के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए करिकुलम कैसा होना है तो करिकुलम प्लान एंड एवेल्यूएशन का पूरा कोर्स है करिकुलम मुख्त लेवल्स के ऊपर कैसे बदलता है उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होती है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है किस तरह उसी पॉलिसी और प्लान को करिकुलम इैक्ट करता है क्लासरूम के अंदर वहाँ तक हम जाते हैं और फिर इसमें भी रिसर्च uh, का एलिमेंट शामिल है ठीक है जब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो जो पॉलिसी का एनालिसिस है ना वो बेसिकली एक क्रिटिकल लेंस से होता है उसके लिए ज़रूरी है कि रिसर्च एबिलिटी की जाए तो फिर इसका आखिरी कंपोनेंट अगेन रिसर्च है जिसमें स्टूडेंट um, के पास फ़िल वक्त पी uh, की ओल्ड स्कीम चल रही है फिल वक्त उनके पास ये ऑप्शन है कि वो रिसर्च लें या वो कोर्स ले लें तो ये भी मैं बता दूं कि 2024 के बाद 2025 में जो हमारी न्यू स्कीम लॉन्च हो जाएगी पी जी की uh, उसमें बिल्कुल पी जी की तरह ऑप्शन नहीं रहेगा ओके दे हैव टू हैव अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑट और मुझे ये लगता है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका ना बिल्कुल जैसे एक पहली ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन होती है ना कि आपके साथ एक सुपरवाइज़र मौजूद है आपको ड्राइव करना बता रहा है तो ये उस तरह का एक रन थ्रू है ताकि फिर आप पूरा एक लाइसेंस होल्डर बन जाए और आप इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर दें बिल्कुल बेहतरीन बात है और इससे पहले कि किसी आप रिसर्च और डिग्री में प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं और प्रॉपर रिसर्च शुरू कर रहे हैं आपकी वो ऑरिएटेशन हो जाती है और आपको वो जो बेसिक्स हैं रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी साम्पलिंग एंड ऑल दैट थिंग उससे आपकी सेंसिटाइजेशन होने की वजह से आप एक तरह से तैयार हो जाते हैं उस इन डेप्थ रिसर्च क्रिटिकल एनालिसिस और इवेलुएशन के लिए जो आपने आगे जाके करनी है डॉक्टर साहिबा किस सेमेस्टर में आप ये ऑफर करते हैं इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है एम फिल और पीएचडी के अलावा तो हम दोनों सेमेस्टर्स में ऑफ़र कर रहे हैं हम स्प्रिंग में भी ऑफर कर रहे हैं हम ऑटम में भी ऑफ़र कर रहे हैं डॉक्टर हामिद ने जब बात की तो इन्होंने बताया कि बी प्रोग्राम ओपन मेरिट है मेरिट होता है हर प्रोग्राम का लेकिन वो ओपन मेरिट है यानी आपने सेकेंड डिव में प्री क्वालिफिकेशन कर रखी है, है यू आर इन दोनों पी प्रोग्राम्स मेरिट बेस्ड प्रोग्राम कहलाते हैं इसमें कोई टेस्ट या इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जब एडमिशन ओपन होता है तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करते हैं ठीक है ऑनलाइन ही अपने क्रेडेंशियल्स की कॉपीज़ अपलोड करते हैं दोनों पीजीडी प्रोग्राम्स में पीजीडी ईएलएम में और पीजीडी ईपीएम में वी स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरी फॉर्म देर इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ हंड्रेड मार्क्स आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशनस को आपकी हर एक स्टेज पर जो परसेंटेज स्कोर था उसकी एक वैल्यू मिलती है पॉइंट वैल्यू मिलती है ठीक है और फिर आपने हंड्रेड में से मिनिमम फोटी स्कोर लेना है तो आपका एडमिशन होगा बज़ दफ़ा स्टूडेंट्स वो फॉर्म फिल करके समझते हैं कि बस अब एडमिशन हो जाएगा फिर जिनका नहीं होता वो परेशान होते हैं इसमें एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स हैं okay. तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ज़रूर अपलोड करें एक बात जो मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहती हूँ एडमिशन के हवाले से आप अपने क्रीडेंशल्स अपलोड कर देते हैं फॉर्म फिल कर देते हैं जब हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बैठ कर उसकी स्क्रूटनी करते हैं तो किसी जगह पे ऑब्जेक्शन मार्क करते हैं कोई डिग्री पढ़ ही नहीं जा रही रीडेबल नहीं है ब्लर है या समथिंग या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन ऑनलाइन सिस्टम में करते हैं एक एस आता है एप्लीकेंट को तो उस एस का मतलब ये नहीं होता कि आपका फॉर्म डिस्कवालीफाई हो गया ओके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ वो सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है ड्यू डेट के अंदर अंदर आप वापस पोर्टल पे जाके अपने फॉर्म को रिफ्रेश कर सकते हैं वो वाली डिग्री वो वाला डॉक्यूमेंट जिस पे ऑब्जेक्शन है उसका एक क्लियर पिक्चर रीलोड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो रीलोड कर सकते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्योंकि हमने एडमिशन सिस्टम कर दिया अक्सर लोगों को नहीं पता था तो बज दफ़ा स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं किया तो दैट्स दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग सो so ट्रू और मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि आप इस हवाले से ज़रूर बात करें क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाता है और वो ये समझता है कि बस दैट इज़ दी एंड अगर आप ऑब्जेक्शन को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद रीअपलोड कर देते हैं समझ नहीं आ रहा तो आप डिपार्टमेंट से रबता कर सकते हैं वो आपको गाइड कर देंगे एडमिशन डिपार्टमेंट आपको गाइड करेगा और ये फैसिलिटेशन का जो काम है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि सिंस ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल एजुकेशन एट डोर स्टेप तो उसमें फैसिलिटेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और हर बंदा इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करने की कोशिश कर रहा होता है डॉक्टर साहिबान आप तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया हमने आज आपके साथ गुफ्तू की है एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ और लीडरशिप के हवाले से ना सिर्फ ये सब्जेक्ट क्या है इसका स्कोप क्या है इसकी डिमांड क्या है रिसेंट ट्वेंटी सेंचुरी में बट ऑल्सो वट टाइप ऑफ़ प्रोग्राम्स आर यू ऑफरिंग हमने बी एड के ऊपर बहुत तफसी से बात की हमने दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात की ई एल एम एंड ई पी एम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके ये सारे प्रोग्राम्स स्प्रिंग सेमिस्टर में भी ऑफर होते हैं फॉल सेमेस्टर में भी ऑफर होते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया इनका एडमिशन प्रोसेस ये तमाम चीज़ें आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है वो स्टूडेंट्स जो अगर अभी भी कोई बात क्लियर नहीं हुई या क्लैरिटी मज़ीद चाहिए तो वो फैकल्टी से भी रा कर सकते हैं और डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आज के प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करते हैं आप सबकी आमद का शुक्रिया थैंक यू इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से फौजियाँ वर्ग इजाज़त चाहती हैं आपके साथ मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में अपना बहुत ख्याल रखिए खुदाफिज़